ये बेकार है ना। अरे देखो देखो अव्वल आ गया, बाद में शॉपिंग करते हैं। हेलो, मैं हूं अव्वल। वीकेंड के इंग्लिश सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने ऑफिस कलीग्स के साथ वीकेंड के बारे में बात कर सको, बल्कि मेरी नज़र में वीकेंड के बारे में बातचीत करना एक ऐसा मौका है जो आपको और आपके सीनियर्स को, आपको और आपके कलीग्स को, और आपको और आपके कस्टमर्स को आपके और करीब ले आता है। चाहे कोई भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, वीकेंड का इंतज़ार हर कोई करता है। सो इस कॉमन टॉपिक से आप एक दूसरे के साथ काम से हट के बातचीत कर सकते हो। मैं कुछ सालों पहले एक कंपनी में था। वहाँ एक लड़की थी जिसे कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से बात करना आता था। वीकेंड के बाद जब भी कोई कस्टमर उसे पूछता था कि वीकेंड कैसा रहा, तो वो सिर्फ इतना नहीं कहती थी कि वीकेंड अच्छा रहा, जैसे हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं। वो कहती थी वीकेंड अच्छा रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इसी तरह से कस्टमर्स को भी पूछती थी कि उन्होंने वीकेंड पे क्या किया। तो इस तरह से वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत घुल मिल जाती थी और उसकी इस खूबी की हर कोई तारीफ करता था। सो आज हम देखेंगे कि वीकेंड शुरू होने से पहले क्या बातें होती हैं, वीकेंड के लिए आप क्या बातें करते हो, और वीकेंड के बाद क्या बातें की जाती हैं, सबके इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे कि आप जानते हो, वीकेंड होता है हफ्ते की छुट्टी का दिन, और बहुत सी जगह पे ये है सैटरडे और संडे। जब मैं आपको वीकेंड के सेंटेंसेस बताऊंगा, तो आप देखोगे कि मैंने वीकेंड के साथ कुछ जगह पे ऑन यूज किया है, ऑन द वीकेंड, और कुछ जगह पे मैंने फॉर या ओवर यूज किया है, फॉर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड। फर्क बहुत आसान है। जब भी आपके कहने का मतलब हो वीकेंड पे, तो आप कहो ऑन द वीकेंड। वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड। जब कहना हो वीकेंड के लिए, तो कहो फॉर द वीकेंड। वीकेंड के लिए क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर द प्लान्स फॉर द वीकेंड। और कुछ जगह पे आप ऐसे भी बोलते हो, यार वीकेंड पे किसी टाइम मिलते हैं, मैं वीकेंड पे किसी टाइम बैठ के दरवाजा ठीक कर दूंगा। सो जब भी आपके कहने का मतलब है वीकेंड के बीच में या वीकेंड के दौरान, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो ओवर, ओवर द वीकेंड। लेट्स मीट सम टाइम ओवर द वीकेंड या लेट्स मीट ओवर द वीकेंड, दोनों का ही मतलब सेम होगा कि वीकेंड के बीच में किसी टाइम मिलते हैं। इस वीडियो के पार्ट वन में देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो वीकेंड शुरू होने से पहले आप बातचीत करते हुए यूज कर सकते हो। पार्ट वन, इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। मैं वीकेंड पे खूब सोने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप अ लॉट ऑन द वीकेंड। इस वीकेंड के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। मेरे इस वीकेंड के लिए कोई प्लान्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। वीकेंड के लिए कोई खास प्लान, एनी स्पेशल प्लान्स फॉर द वीकेंड। हाँ, इस वीकेंड मैं डेट पे जा रहा हूं, यस आई एम गोइंग ऑन अ डेट दिस वीकेंड। वीकेंड के लिए कुछ प्लान कर रखा है, डू यू हैव एनीथिंग प्लान्ड फॉर द वीकेंड। हाँ, मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए बाहर जाऊंगा, यस आई विल गो आउट विद माय वाइफ फॉर अ डिनर। ये तो था मेरा प्लान, तुम्हारा क्या प्लान है। सो दैट वॉज माय प्लान, व्हाट अबाउट यू। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, आई विल पार्टी विद फ्रेंड्स। तुम हमारे साथ पार्टी के लिए शामिल होना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर द पार्टी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा, आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर होम। मेरा दोस्त तुम्हें पिक कर लेगा और वापसी में ड्रॉप भी कर देगा, माई फ्रेंड विल पिक यू अप एंड ऑल्सो ड्रॉप यू ऑन द वे बैक। मुझे वीकेंड्स पे फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। यहां मैंने कहा वीकेंड्स, मतलब हर वीकेंड। मुझे वीकेंड्स पे फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली ऑन द वीकेंड्स।
मैं अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू विजिट माई पेरेंट्स. वाओ, वीकेंड आ रहा है. वाओ, द वीकेंड इज कमिंग. मैं वीकेंड को लेके बहुत एक्साइटेड हूं. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड. लगता है तुम्हारा वीकेंड तो अभी से शुरू हो गया है. इट सीम्स दैट योर वीकेंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. इस वीकेंड पे मिले क्या? शुड वी मीट दिस वीकेंड? इस वीकेंड पे मिलते हैं. लेट्स मीट दिस वीकेंड. नहीं, मुझे इस वीकेंड कुछ काम है. नो, आई हैव सम वर्क दिस वीकेंड. नहीं, मुझे इस वीकेंड शॉपिंग पे जाना है. नो, आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग दिस वीकेंड. वीकेंड कब शुरू होगा? When will the weekend begin? कुछ ही घंटों में वीकेंड शुरू हो रहा है. The weekend starts in a few hours. मैं अभी से वीकेंड मूड में आ गया हूँ. I am already in the weekend mood. तुम अभी से वीकेंड मूड में आ गए हो. You are already in the weekend mood. और फिर वीकेंड की तैयारी है. So, all set for the weekend. मैं मंडे को भी छुट्टी कर रहा हूँ. I am taking a day off on Monday as well. So, मेरे लिए ये एक लंबा वीकेंड हो जाएगा. So, it will be a long weekend for me. वाह, तुम्हारे लिए तो ये एक लंबा वीकेंड हो जाएगा. Wow, it will be a long weekend for you. इस वीकेंड के लिए बहुत से काम इकट्ठे हुए पड़े हैं. There are so many things lined up for this weekend. So, मेरा ये वीकेंड तो मुझे पता ही नहीं चलने वाला. So, my weekend is just going to fly. मैंने अभी सोचा ही नहीं कि वीकेंड पे क्या करना है. I haven't yet decided what to do on the weekend. हम वीकेंड के लिए कुछ प्लान क्यों नहीं करते? Why don't we plan something for the weekend? तुम्हारा वीकेंड अच्छा हो, यानी कि अच्छा वीकेंड बिताना. Have a nice weekend. थैंक यू. और तुम्हारा भी वीकेंड अच्छा हो, यानी तुम भी अच्छा वीकेंड बिताना. थैंक्स, यू टू. कहने का मतलब है थैंक्स, यू हैव अ नाइस वीकेंड टू, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं थैंक्स, यू टू. अगले हफ्ते मिलते हैं. सी यू नेक्स्ट वीक. बिल्कुल, एब्सोल्यूटली. अब देखते हैं वीकेंड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप वीकेंड शुरू होने पे अपने रूममेट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो. वैसे इनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें से अगर आप वीकेंड वाले वर्ड्स हटा दो तो ये डेली यूज के सेंटेंसेस बन जाते हैं और उस तरीके से आपके काम भी आ सकते हैं. सो इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना. तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट टू. पार्ट टू. आखिरकार वीकेंड शुरू हो रहा है. फाइनली द वीकेंड बिगिंस. हम अपना वीकेंड बर्बाद ना करें. लेट्स नॉट वेस्ट आवर वीकेंड. तुम सो के अपना वीकेंड बर्बाद करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू वेस्ट योर वीकेंड स्लीपिंग? तुम मूवीज देख के अपना वीकेंड बर्बाद करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू वेस्ट योर वीकेंड वॉचिंग मूवीज? इस वीकेंड मुझे नई ड्रेस दिला दो. प्लीज बाय मी अ न्यू ड्रेस दिस वीकेंड. चलो आज मॉल चलते हैं. लेट्स गो टू द मॉल टूडे. तुम हर वीकेंड ही नहीं शॉपिंग करते हो? डोंट यू शॉप जस्ट एवरी वीकेंड? पिछले वीकेंड बारिश हो गई थी. इट रेन्ड लास्ट वीकेंड. हमें इस वीकेंड के बाद शॉपिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा. वी वॉन्ट फाइंड टाइम फॉर शॉपिंग आफ्टर दिस वीकेंड. अगले वीकेंड मेहमान आ रहे हैं. गेस्ट्स आर कमिंग नेक्स्ट वीकेंड. वीकेंड पे मुझे कम से कम एक दिन तो सोने के लिए मिलना चाहिए. आई शुड गेट एट लीस्ट वन डे टू स्लीप ऑन द वीकेंड. सो इस वीकेंड भी तुम मुझे सोने नहीं दोगे. सो यू वॉन्ट लेट मी स्लीप दिस वीकेंड एज वेल. वीकेंड वाली फीलिंग ही नहीं आ रही. इट डजेंट फील लाइक अ वीकेंड. इससे अच्छा तो मैं वीकेंड पे ऑफिस ही चला जाऊं. आई रादर गो टू ऑफिस ऑन द वीकेंड. क्या तुम सुबह से सो ही नहीं रहे? Haven't you been sleeping since morning? मैं इस वीकेंड खाने में कुछ अलग पकाऊं? Should I cook something different this weekend? हाँ, इस वीकेंड कुछ अलग खाते हैं.
यस लेट्स ईट समथिंग डिफरेंट दिस वीकेंड. सैटरडे को हम कपड़े धोते हैं. वी डू द लॉन्ड्री ऑन सैटरडे. हम बच्चों को वीकेंड पे जू लेके जा रहे हैं. वी आर टेकिंग द किड्स टू द जू ऑन द वीकेंड. इस वीकेंड मेरी सिस्टर हमारे घर पे रात को रहने के लिए आ रही है. दिस वीकेंड माई सिस्टर इज कमिंग फॉर अ स्लीप ओवर. मुझे वीकेंड्स पे धूप सेकने में मजा आता है. आई एंजॉय बास्किंग इन द सन ऑन द वीकेंड्स. अब देखते हैं सेंटेंसेस जो आप वीकेंड के बाद अपने दोस्तों से मिलके या ऑफिस जाके अपने कलीग्स के साथ बोलते हो, और अगर कस्टमर्स के साथ भी बोल सको तो बहुत बढ़िया. तो शुरू करते हैं पार्ट 3 इसी वीडियो में, लेकिन एक पानी की ब्रेक के बाद. पार्ट 3. तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? हाउ वॉज योर वीकेंड? तुम पूरे वीकेंड घर पे ही रुके रहे? यू स्टेड होम ऑल वीकेंड? हाँ, मैं पूरे वीकेंड घर पे ही था. यस आई वॉज होम ऑल वीकेंड. तुमने वीकेंड पे क्या किया? वॉट डिड यू डू ऑन द वीकेंड? लगता है किसी ने वीकेंड पे बहुत सारी शॉपिंग करी है. लुक्स लाइक समवन डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग ऑन द वीकेंड. मुझे वीकेंड पे सोने को बिल्कुल नहीं मिला. आई डिडंट गेट टू स्लीप एट ऑल ऑन द वीकेंड. मैं वीकेंड पे खूब सोया. आई स्लेप्ट अ लॉट ऑन द वीकेंड. तुम्हारा वीकेंड अच्छा रहा? डिड यू हैव अ गुड वीकेंड? मेरा वीकेंड बोरिंग था. माई वीकेंड वॉज बोरिंग. मैं वीकेंड पे बोर हुआ. आई गॉट बोर्ड ऑन द वीकेंड. मैंने वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया. आई स्पेंट टाइम विद माई किड्स ऑन द वीकेंड. वाह, तुम्हारा वीकेंड तो अच्छा रहा. वाओ, यू हैड अ ग्रेट वीकेंड. वीकेंड पे हम कहीं नहीं गए. वी डिडंट गो एनीवेयर ऑन द वीकेंड. वीकेंड पे मैंने घर पे ही आराम किया. आई जस्ट रिलैक्स्ड एट होम ऑन द वीकेंड. वीकेंड पे मैंने घर पे ही मजे करे. आई जस्ट चिल्ड आउट एट होम ऑन द वीकेंड. मैं वीकेंड पे काम कर रहा था. आई वॉज वर्किंग ऑन द वीकेंड. ये कैसा वीकेंड था? वॉट काइंड ऑफ वीकेंड वॉज दैट? अब अगले वीकेंड का इंतजार शुरू होता है. Now the wait begins for the next weekend. था ना ये मजेदार लेसन? मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. वैसे उन शॉपिंग वाली लड़कियों ने क्या शॉपिंग की? मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये सैंडल ली है. क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड सैंडल भी पहनता है? नहीं, वो सिर्फ खाता ही है.